फ्रेंड्स अगर आप लोगों के काफी ज्यादा हेयर फॉल हो रहा है और आप ये सोच रहे हो कि मैं कौन सा एक प्रोडक्ट यूज करूं और जो कि नेचुरल हो जिसके अंदर आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव ना हो जिसके अंदर केमिकल ना हो जैसे मेरे बाल और ज्यादा झड़ने ना लगे आप लोग के लिए एक अमेजिंग प्रोडक्ट लेकर आई हूं इस वीडियो के अंदर जो कि आपके हेयर फॉल को आपकी ड्राई फ्लेकीनेस को अगर आपको डांड्रफ हो रही है या आपके जो है स्प्लिट एंड्स आ चुके हैं इन सारी चीजों को ट्रीट करने वाला है वो हेयर ऑयल सो so, ये वीडियो जो है आप लोग एंड तक जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है और इन्फॉर्मेटिव भी होने वाली है वीडियो और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हो मुझे पहली बार देख रहे हो या मुझे देखते रहते हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सो so, इस वीडियो के अंदर जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा नीचे एक रेड बटन दिख रहा होगा वो क्लिक करके ग्रे कर दीजिए और साथ में एक बेल आइकन है वो क्लिक करके ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालू आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए और आप देख लो बिना टाइम वेस्ट गेट स्टार्टेड हाय फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन यूट्यूबर अनमोल फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं ये नेचर श्योर की तरफ से हेयर ग्रोथ ऑयल अब फ्रेंड्स जो हेयर ग्रोथ ऑयल है वो यूज करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है आजकल की डे टू डे रूटीन में द रीजन इज वेरी सिंपल हम लोग बहुत सारे केमिकल ट्रीटमेंट हम लोग करवा लेते हैं आजकल धूल मिट्टी इतनी ज्यादा हो चुकी है पोल्यूशन इतना ज्यादा हो चुका है कि डस्ट वगैरह पड़ने से हम लोग को हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है आजकल के लोग जो है तेल ना लगाना मतलब लगाने वाले सोचते हैं कि हाई ये तेलू बन जाए हम तो तेल जो लोग नहीं लगाते उनके जो है स्कैल्प काफी ड्राई हो जाती है फ्लेकी हो जाती है उसकी वजह से उन लोग को डैंड्रफ भी हो जाती है सो ये हेयर ऑयल आपके सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और एक और चीज फ्रेंड्स अगर आप हेयर ऑयलिंग नहीं करते हो ना तो आपके जो ये स्पिटेंट होते हैं ना ये भी डैमेज हो जाते हैं और बहुत ज्यादा स्पिटेंस आने लग पड़ते हैं अगर आप टाइम टू टाइम जो है हेयर ऑयल यूज नहीं करते हो तो हम इतनी सारी केमिकल प्रोडक्ट्स यूज करते हैं केमिकल शैम्पू कंडीशनर हेयर मास्क भी फिर सीरम भी फिर जी कई लोग स्ट्रेटनिंग करा लेते हैं रिबॉन्डिंग करवा लेते हैं कितना कुछ होता है तो इसलिए जस्ट इन्वेस्ट इन वन प्रोडक्ट जो कि आपके बालों को बचा सके आपके बालों को प्रोटेक्ट कर सके सो so, एक ऐसा हेयर ऑयल चूज कीजिए जो कि कम्प्लीटली नेचुरल हो सेफ हो जिसके इंग्रेडिएंट्स काफी अच्छे हो और आपके हेयर ग्रोथ में हेयर फॉल में जो है आपको हेल्प कर सके सो so, वो ये प्रोडक्ट है फ्रेंड्स नेचर श्योर की तरफ से कम्प्लीटली नेचुरल है बात करते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की क्यों ये खास है और इसके इंग्रेडिएंट्स कमाल के कैसे हैं ठीक है पहली चीज जो इसके अंदर डाली गई है वो है नील ब्रिंगदी ठीक है इसके अंदर डाला गया है सेकंड है ब्रिंगराज थर्ड है महामोही फोर्थ है तिल मतलब सेसमे और इसके अंदर लास्ट डाला गया है टिफला सारी चीजें आप देख लो आयुर्वेदिक है काफी अच्छी है नेचुरल है सेफ है ठीक है इसके अंदर है एंटी बैक्टीरियल एंड एंटी फंगल प्रॉपर्टीज फ्रेंड्स अगर आपके कुछ इन्फेक्शन वगैरह भी हो रहा है सो वो भी ये प्रोडक्ट नहीं होने देगा फ्रेंड्स ठीक है जी ये आपको बचाता है यूवी प्रोटेक्शन से जो सन से आपको मिलती है आपके बालों को यूवी रेस से भी बचाएगा अगर आप ये हेयर ऑयल लगाओगे बात कर लेते हैं आप कि इस हेयर ऑयल को आपने यूज कैसे करना है आपने इसको रूट्स टू टिप पे लगाना है और अच्छे से सर्कुलर मोशन में मसाज करनी है आपने मसाज करने के बाद आपने इसको ओवरनाइट छोड़ना है फ्रेंड्स अगर आप कोई भी हेयर ग्रोथ ऑयल लगाते हो फ्रेंड्स दो घंटे में उस वो काम नहीं करेगा और जो दावा करते हैं ना काम कर लेगा वो कभी नहीं होता फ्रेंड्स कभी नहीं होता मैंने बहुत सारे यूज किए हैं दो घंटे में कोई मैजिक नहीं होता आपको ओवरनाइट छोड़ना बहुत जरूरी होता है हेयर ऑयल को ताकि वो अपना काम कर सके ताकि उसका पूरा असर आपके बालों में आ सके फ्रेंड्स ठीक है जी सो so, आपने ओवरनाइट इसको छोड़ना है एंड नेक्स्ट मॉर्निंग आपने हेयर वॉश कर लेना है ट्राई करो कि आप कोई भी केमिकल वाला शैम्पू ना यूज करें आप केमिकल फ्री वाला शैम्पू यूज कीजिए ठीक है जी अगर आप इस प्रोडक्ट को बाय करना चाहते हो इस प्रोडक्ट का जो लिंक होगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो फ्रेंड्स सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा रिव्यू छोटा सा प्रोडक्ट आप लोग के लिए मैं लेकर आई थी आई होप ये अच्छा लगा हो और एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा ट्राई अगर करते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना किस तरीके का आपको इसका रिजल्ट आया है ताकि मेरी भी हेल्प हो सके बाकी लोगों के भी हेल्प हो सके अच्छा जी सो so, मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय